युवा देश का भविष्य तय करने वाले होते हैं। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत नेहरू युवा केंद्र पौड़ी गढ़वाल के तत्वाधान में युवा संवाद राष्ट्रीय एकता और अखंडता वर्ष 2022-23 विषय पर जिला युवा उत्सव का आयोजन किया। आयोजित कार्यक्रम में भाषण, चित्रकला, कविता, लेखन, नृत्य, मोबाइल फोटोग्राफी आदि प्रतियोगिता का आयोजन भी किया। प्रेक्षागृह पौड़ी में नेहरू युवा केंद्र पौड़ी के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के दौरान माननीय सांसद ने युवाओं के साथ संवाद कर उनके विचारों से रूबरू हुए कहा, युवा देश का भविष्य तय करने वाले होते हैं। युवाओं को अच्छे संस्कार अर्जित करने चाहिए। युवाओं को सही दिशा के लिए शिक्षा का अभिभावक, समाज सेवकों सहित अन्य प्रभावी वर्ग को अपना चरित्र ऐसा बनाना होगा कि वो युवाओं के लिए आदर्श बन सके, क्योंकि युवा उन्हीं को देख के सीखते हैं। उन्होंने मोबाइल का उदाहरण देते हुए कहा कि सभी के अच्छे बुरे दो पक्ष होते हैं, हमें अच्छाई का अनुसरण करना चाहिए ना कि बुराइयों का। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने अपनी चीज़ों पर गर्व करना सीखा है। कहा कि युवा देश का निर्माता है, उन्हें अच्छे गुणों संस्कारों का अनुसरण करना चाहिए जिससे युवा राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक राजकुमार पुरी ने कहा, युवा चरित्रवान हो तो देश विश्व गुरु बन सकता है। आयोजित कार्यक्रम में अलग अलग प्रतियोगिताओं के छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। नृत्य प्रतियोगिता में नेहरू युवा मंडल शिविर लाइन, नेहरू युवा मंडल पौड़ी और मंडल पावो क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे, जबकि प्रदेश स्तर पर 4 युवाओं शिव ओम ध्यानी, अमन कुमार, श्वेता तिवारी और प्रफुल्ल कुमार को अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया जाएगा। और बहन अंकिता भंडारी बेटी, हम आहत हैं और हम तो बड़े दुखी हैं, कष्ट में हैं। माँ बाप तो क्या हालत उनकी होगी, ये सब समझते हैं। जिसकी कोख से जन्मी हो बेटी, 20 बरस की, उन पर क्या। हम सब लोग फील्ड में जाने वाले लोग, आप लोग फील्ड में, ये कार्यक्रम फील्ड का है, क्लास में नहीं है, फील्ड में जाएंगे। फील्ड में जब हम बाहर जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को सुनने को मिलेंगी, समाज के लेकिन इससे शबक लेना चाहेंगे। पढ़ाई लिखाई करने के बाद भारत सरकार खेल मंत्रालय के द्वारा नेहरू युवा केंद्र पौड़ी जनपद के इस प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला, अवसर मिला और बहुत सारी प्रतिभागियों ने भाग लिया। खेल में, कल्चरल में, अपने भाषण में और चित्रकला में एक एक से प्रतिभाएँ यहाँ देखने को मिलती हैं और जिस तरह मंच यहाँ पे उनको मिला तो निश्चित है इन मंच के माध्यम से वो आगे अपनी प्रतिभाओं को उभारेंगे, तो स्टेट में, नेशनल में जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में यहाँ का नाम रोशन करेंगे जिले का। ऐसी मेरी इनको सबको शुभकामनाएँ, बधाई हैं और साथ में नेहरू युवा केंद्र के जो अपने जिले का शुभनाथ के रूप में भेजे, उन्हें शुभकामनाएं बधाई और इनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।